छियानवे पुलिस भवनों का शिलान्यास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के सहारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की। चुनावी समय में पुलिसकर्मियों के हित को ऊपर रखा। उन्होंने 124 पुलिस भवनों का लोकार्पण भी किया। पुलिस प्रशासन इन दिनों मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ सख्ती से पेश आ रही है। बावजूद हर दिन जांच के दौरान अवहेलना करने वालों से दंड वसूल की जा रही है। इसी क्रम में 600 से अधिक लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई कर 2.25 लाख से ऊपर दंड वसूली की गई। पटना जिले के विभिन्न क्षेत्रों में 103 स्थानों पर कंटेनमेंट जोन बनाकर कोरोना संक्रमण के खिलाफ मुहिम तेज कर दी गई है। पटना सदर में 31, सिटी में 11 और दानापुर क्षेत्र में 47 समेत मसौढ़ी में 4 तथा पालीगंज इलाके में 10 जोन बनाए गए हैं। गंगा सोन बाढ़ सुरक्षा मंडल के अधिकारी इस बात पर नजर रख रहे हैं कि पटना में नदियों के जलस्तर की स्थिति कैसी रहती है। फिलहाल यह सुकून भरा है कि पटना में गंगा नदी खतरे के निशान से लगभग 2 मीटर नीचे बह रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक 11 जिलों के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में लगभग 5 लाख हेक्टेयर में लगी फसलों की बर्बादी हुई है। फसल क्षति का आंकड़ा इकट्ठा किया जा रहा है ताकि सरकारी स्तर पर प्रभावितों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा सके। राज्य सरकार ने बेहतर स्वास्थ्य सेवा के लिए अब बहाली पर ध्यान दिया है। खबरों के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि आने वाले दिनों में सूबे के लिए 4000 मेडिकल अफसरों तथा 9000 ए ग्रेड नर्सों की बहाली की जाएगी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से कहा है कि सरकार के साथ निजी अस्पतालों में भी हर बेड पर ऑक्सीजन आपूर्ति सुनिश्चित करने पर बल दिया जाए। उन्होंने पीएमसीएच और एनएमसीएच की व्यवस्था सुधारने को कहा। बिहार विधानसभा के आसन चुनाव पर कोरोना का असर नहीं पड़े, इसके लिए चुनाव आयोग भी चिंतित है। खैर, अभी बेहतर ढंग से चुनावी प्रक्रिया पर जारी मंथन के तहत पीपीई किट को लेकर जो निर्णय लिए गए हैं उसके अनुसार कोरोना से बचाव के तमाम मुद्दों पर चुनाव आयोग गंभीर है।